अमृतसर के एक गांव के निवासी वडाली बंधु अपने पंजाबी सूफी गानों के लिए देश विदेश में मशहूर हैं। दोनों ने जलंधर के हर अल्लाह मंदिर से भजन गाने की शुरुआत की थी। ये काफियां, गजल और भजन साथ गाते थे। काफियां, गजल और भजन जैसे गानों में दोनों भाई अच्छे अच्छों को चुनौती देने की काबिलियत रखते हैं। बॉलीवुड में इनके चर्चित गानों की बात करें तो ए रंग रेस मेरे और एक तू ही तू जैसे गाने खूब पसंद किए गए हैं। इनकी जोड़ी को 2005 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। प्यारे लाल वडाली पंजाबी सूफी म्यूजिक के लिए जाने जाते थे। वडाली ब्रदर्स ने एक से बढ़कर एक सूफियाना नंबर्स गाए हैं। दौर कोई भी रहा हो, लेकिन उनका गाया गाना तू माने या न माने दिलदारा हमेशा हिट रहा है। खासतौर पर युवाओं में उनका ये गीत बहुत पसंद किया जाता है। उनकी सूफी गायकी से लोगों को दीवाना बनाने वाले वडाली ब्रदर्स की ये जोड़ी टूट गई है। पद्मश्री पूर्णचंद वडाली के छोटे भाई प्यारेलाल वडाली का निधन हो गया है। कई समय से बीमार चल रहे प्यारेलाल वडाली की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्होंने अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। प्यारेलाल वडाली बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। गुरु की वडाली में उनका निवास स्थान था। दोनों भाई अपने घर में ही संगीत सिखाते थे। इस शर्त पर छात्रों का दाखिला लिया जाता था कि जो भी उनसे संगीत सीखना चाहते हैं उसे जीवन भर उसका सही इस्तेमाल करना होगा और उसके अस्तित्व को बचा कर रखना होगा। छात्रों से इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते थे। दोनों भाइयों ने संगीत जगत में कभी ना बुलाए जाने वाले योगदान दिए हैं, जिसके चलते डिस्कवरी ने उनके जीवन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी निर्णय लिया है। वडाली भाइयों ने विदेश में भी कई शोज किए हैं। प्यारेलाल वडाली के गुजरने से देश ने सूफी जगत का एक अहम और महान कलाकार खो दिया है। बहरहाल सिर्फ प्यारेलाल वडाली के बेटे ने उनकी मौत की पुष्टि की है, लेकिन इसके सिवाय पूर्णचंद वडाली अभी तक ना तो मीडिया के सामने आए हैं और ना ही उनके द्वारा कोई टिप्पणी दी गई है। ऐसे में वडाली ब्रदर्स के फैंस उनकी जोड़ी टूटने से आए इस मोड़ से आने वाले बदलाव की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, RBM न्यूज़, दिल्ली।